हेलो गाइस, योगेंद्र शर्मा फिर से आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको आपका जो सिलेबस है इसकी पहली पोयम, इसका नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है इसका? डस्ट ऑफ स्नो। आज इसको लेकर के आया हूँ और इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत ही आसान है। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ वर्ड टू वर्ड यदि इसका मीनिंग समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड यदि जो भी आएगा तो आप आंख बंद करके उसका आंसर दे सकते हैं, बड़े आनंद से दे सकते हैं। तो कोई टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे जो पहले जो मेरे वीडियोस हैं आप उनको देखें। इससे पहले वीडियोस में मैंने पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, उससे पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, ए लेटर टू गॉड हिंदी में किया था, उसको वर्ड बाई वर्ड किया था। तो उसको भी देखें और थोड़ा सा एंकरेज करते रहें उसको, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए डाल सकूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि जब आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो वर्ड बाई वर्ड बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको डस्ट का मीनिंग बताऊँगा। डस्ट ऑफ स्नो है क्या? ये डस्ट ऑफ स्नो क्या चीज़ है? वैसे डस्ट किसको कहते हैं? डस्ट कहते हैं हम धूल के लिए। डस्ट माने क्या होता है? धूल। और स्नो माने क्या होता है? बर्फ। आप कहेंगे साहब बर्फ की धूल, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हियर डस्ट मीन्स पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। इस मीन्स क्या हुआ कि बर्फ के छोटे छोटे कण, इसी को हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। तो इसमें देखिए जो इसके जो पोएट हैं जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहली जो हमारी नीड है वो क्या है कि हमें पोएम का नाम पता होना चाहिए। वी मस्ट लर्न द नेम ऑफ पोएम एंड इट्स पोएट। पोएम का नाम और किसका नाम? पोएट का नाम। तो पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। और पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों नाम आपको पता चल गया तो ये बहुत ज़रूरी है। कई बार यही आ जाता है कि दिस फ्रॉम विच पैसेज, फ्रॉम विच पोएम दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन एंड हु इज़ द पोएट ऑफ इट, तो उसका हमें नाम देना होगा। ठीक है, चलिए। खैर बहुत सारी बात मैंने आपको बताई इसमें। अब हम वर्ड टू वर्ड चलते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, हाँ, इसमें क्या है कि द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें कि जिस तरीके से एक क्रो, क्रो माने कौआ, है तो जिस तरीके से एक कौए ने सूक डाउन ऑन मी, है मेरे ऊपर, सूक डाउन माने झाड़ देना, ऊपर गिरा देना, कि जिस तरीके से कौए ने मेरे ऊपर गिराई, क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण। और कहाँ से गिराए? फ्रॉम हे हेमलॉक ट्री। हाँ, कहाँ से गिराए? हेमलॉक ट्री। एक ट्री है हेमलॉक, मान लो ये ट्री है, मैं जो बना रहा हूँ इसका आपको, तो ये क्या, ये ट्री है। और इस ट्री पर ये क्रो बैठा हुआ है, इस ट्री पर ये मान लीजिए क्रो बैठा हुआ है। और इसके नीचे मान लो राइटर जा रहा है इधर से, ये तो ये हेमलॉक ट्री है, ऊपर क्रो ये बैठा हुआ है और राइटर नीचे जा रहा है। तो इसने क्या किया, जैसे ही एक बैठा तो इसने उसको नीचे गिराया। किसको गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। इस ट्री पर जो भी स्नो थी उसकी डस्ट को, उसके पार्टिकल्स को इसने नीचे गिरा दिया। तो आई बात समझ में, इस तरह से उसने गिराया। तो लेखक क्या कहता है कि जिस तरीके से, द वे, जिस तरीके से, फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि जिस तरीके से कौवे ने, जो हेमलॉक का जो ट्री है, हेमलॉक कहते हैं ऐसा पौधा, ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं, पॉइजनस होता है, धतूरे का जिसको फूल कहा जाता है, धतूरे का जो वृक्ष कहा जाता है उसके लिए हेमलॉक कहते हैं। तो ये जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर से उसने उस बर्फ के छोटे छोटे कण मेरे ऊपर गिराए। हालांकि देखिए जो क्रो है, हाँ, वो भी एक, इसमें क्रो को ज़्यादातर नेगेटिव माना जाता है क्योंकि काला होता है क्रो, और वैसे भी हमारी सोसाइटी में क्रो को कौन पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता है। तो क्रो हमेशा नेगेटिविटी के लिए आता है, और ऐसे ही क्योंकि पॉइजन है तो ये भी नेगेटिविटी के लिए आया। लेकिन लेकिन एक बात और है, मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो इससे क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। तो जैसे ही उसने उस बर्फ के कण गिराए उसने मेरे दिन का मूड ही बदल दिया। कहने का मतलब जो फर्स्ट स्टेंजा है
उसमें क्या था, पोएट कुछ दुखी था, लेकिन जब उसके ऊपर वो बर्फ के टुकड़े आकर के गिरे, बर्फ के कणा करके गिरे, कौवे ने गिराए, तो उससे उसे दिन का मूड बदल गया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीव्ड, और जो दिन का जो हिस्सा जो मैंने पछतावे में गंवा दिया था, रीव्ड का मतलब होता है कि पछताने में, स्पेंट इन किस में बोलेंगे, रिपेंटेंस, स्पेंड इन रिपेंटेंस, पछताने में गंवा देना, पछताने में बिता देना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे दिन का जो कुछ भाग जो बचा था, जो मैंने पछताने में जिसको मैं गंवा रहा था, उसको उसने बचा दिया, उसने मेरे पूरे दिन का मूड ही बदल दिया। समझ रहे हैं ना आप लोग? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ कि जैसे ही हेमलॉक ट्री से उसने गिराया, किसको, बर्फ के कणों को, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, तो उसने मेरे दिन का मूड ही बदल दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और जिस तरह से मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया जो मैं पछतावे में गंवा रहा था। अब मैं बेटा इसकी देखिए आपको राइमिंग स्कीम बताऊंगा, राइमिंग स्कीम इसकी क्या होगी। जैसे कि पहले है क्रो और तीसरी लाइन में है स्नो, तो क्रो के आगे हम ए लिख देंगे, क्रो के आगे हम ए लिख देंगे और स्नो के आगे भी हम ए लिख देंगे। हाँ, दूसरी लाइन है हमारी मी और ट्री, तो मी के आगे हम क्या लिखेंगे, बी, मी के आगे हम बी लिखेंगे। ऐसे ही ट्री, मी का ट्री है तो इसके आगे भी हमने क्या लिखा, बी लिखा। हाँ, अब हम दूसरी स्टेंजा में देखेंगे कि क्या है, हार्ट और पार्ट। हाँ, तो इसको हमने क्या लिखा, सी, क्या लिख सकते हैं हम इसको, सी लिख दिया ना, वेरी गुड। और दूसरी और चौथी लाइन क्या है हमारी, मूड और रीड। हाँ, तो लगभग एक जैसा है, मूड और रीड, तो मूड को हम और रीड को क्या लिख देंगे, डी, क्या लिख देंगे, डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी राइमिंग स्कीम क्या हुई, यदि आपने कभी पढ़ी हो तो क्या हुआ, ए बी ए बी, सी डी और सी डी, राइमिंग स्कीम क्या हुई इसकी, ए बी सी डी और सी डी। तो और जहाँ तक इसमें थोड़ा सा पोएटिक डिवाइस का बात है, तो पोएटिक डिवाइस में मैं समझता हूँ कि 10th लेवल से थोड़ी सी ऊपर की है, तो उसको बताने में कोई विशेष लाभ भी नहीं है, और इसमें से कोई ऐसा पोएटिक डिवाइस पूछा भी नहीं जाता है विशेषकर इस पोएम में से। तो राइमिंग स्कीम जरूर पूछी जा सकती है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम आपने देख लिया कि राइमिंग स्कीम, हम एक चीज़ और बताई मैंने आपको कि इस तरह से हम राइमिंग स्कीम पता भी करते हैं। पहली लाइन में को हमने ए मान लिया, तीसरी को हमने जो बिल्कुल सेम साउंड दे रही हैं, जैसे क्रो स्नो, हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, ओ डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, ऐसे ही मी ट्री, तो इसको बी मान लिया, हार्ट पार्ट सी मान लिया, मूड रूड डी मान लिया, तो राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी सी डी सी डी। समझ में आ गई, इस तरह से राइमिंग स्कीम भी हम पता करते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको इसको बताने की कोशिश की है, द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू, आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ हेल्प मी टू फ्लरिश माई चैनल, एंड आस्क योर फ्रेंड्स और योर मेट्स टू सब्सक्राइब दिस। और क्या है, दूसरी बहुत सारी बातें हैं देखिए जो मैं आपसे याद करना भी चाहता हूँ। पीछे जो मैंने जो कुछ बताया है उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, है? यदि कोई आप इस मेरे लिए कोई आप सलाह देते हैं, कोई एडवाइज़ है कि सर इस तरह से आप इसको चेंज करिए, तो उसको मैं चेंज करने की कोशिश भी करूँगा। हाँ ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।